एक बहुत बड़े अल्लाह के वली शाह है, पूरा मजमा बोले शाह है, ऐसा नामुमकिन को मुमकिन किया। आपको मालूम है एक एक सैफुद्दीन नाम का शख्स, मलिक सैफुद्दीन, साथ में बोलो क्या नाम, बहुत बड़े आदमी थे वो भी, अल्लाह के वली थे मलिक सैफुद्दीन। उनके यहाँ बहुत देर के बाद लड़का पैदा हुआ। भाई किसी के आप देखा होगा शादी के एक साल के बाद लड़का हो जाता है, कभी दो साल, इनके यहाँ तकरीबन 10 साल के बाद लड़का हुआ। किनके यहाँ, नाम बोलो साथ में, मलिक सैफुद्दीन। अच्छा लड़का पैदा हुआ, अब बाप की खुशी का ठिकाना नहीं, 10 साल के बाद लड़का, माँ की खुशी का ठिकाना नहीं, अरे लड़का 1 महीने का हो गया, 2 महीने का हो गया, अरे बाप बड़ा खुश है, अरे 10 साल के बाद लड़का हुआ है, माँ बड़ी खुश है। और फिर मलिक भी है, बादशाह भी है, और बड़ा रौब दबदबा है। 3 महीने के बाद लड़के का इंतकाल हो गया, जनाजा रखा हुआ है, बोलो जनाजा, अरे कान खोल कर सुनना, मलिक सैफुद्दीन के बेटे का जनाजा रखा हुआ। वो मलिक सैफुद्दीन क्या कह रहे हैं, मेरे बेटे का इंतकाल हो गया, मेरे बेटे का 10 साल के बाद अल्लाह ने मेरे को बेटा दिया, बेटे का इंतकाल हो गया, क्या करूं। सीधे दौड़ते दौड़ते गए कुतुबे आलम के पास। कुतुबे आलम कौन, शाह आलम के, बोलो बोलो, शाह आलम के वालिद मोहतरम कुतुबे आलम के पास गए और जाकर कहा, हजरत हजरत आपकी दुआओं से, आपकी दुआओं से आपने कितनी दुआ मांगी थी, 10 साल के बाद मेरा लड़का पैदा हुआ, लेकिन वो अल्लाह को प्यारा हो गया, वो अल्लाह को प्यारा हो गया, मैं तो लूट गया, 10 साल के बाद एक लड़का आया, 3 महीना रहा मेरी गोद में, रहा मेरी बीवी भी तड़प रही है, कुतुबे आलम रहमतुल्लाह अलैह आपको अल्लाह का वास्ता है, कुछ करे। कुतुबे आलम रहमतुल्लाह अलैह ने क्या कहा, जाओ मेरे बेटे शाह आलम के पास चले जाओ। किनके पास चले जाओ, शाह। वो मलिक सैफुद्दीन दौड़ते दौड़ते, अरे जाहिर बात अपने बेटे का मामला था और जनाजा रखा हुआ है, वो दौड़ते दौड़ते आए और आकर आकर सीधे शाह आलम रहमतुल्लाह इबादत में थे, दरवाजा खिटखिटाया, जोर जोर से दरवाजा खिटखिटाया, शाह आलम रहमतुल्लाह ने दरवाजा खोला, कहा मेरा बेटा, मेरा बेटे का इंतकाल हो गया, 3 महीने में मेरे बेटे का इंतकाल हो गया, आप कुछ करे, अल्लाह का वास्ता, अल्लाह करने धरने वाला अल्लाह, अल्लाह का वास्ता, आप कुछ करे। तो शाह आलम रहमतुल्लाह ने कहा, जाओ मेरे अब्बा के पास जाओ। फैजान फारूक भाई साइकिल वाले कहा, उन्होंने तो भेजा है, उन्होंने तो कहा नहीं, उन्हीं के पास जाओ, जाओ उन्हीं के पास जाओ। अब बेचारा करे तो क्या करे, मलिक सैफुद्दीन फिर कहाँ गए, कुतुबे आलम, तो कुतुबे आलम रहमतुल्लाह ने बड़े जलाल में कहा, जाओ शाह आलम को कहो, कयामत में जब सिफारिश का टाइम आएगा तब भी ऐसे ही भेज दोगे, तब भी किसी को पूछोगे नहीं, जाओ मेरे, जाओ जाकर कहो कि अब्बा कह रहे काम तुम्ही को करना है। मेरे दोस्तों शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह को जब खबर मिली, मलिक सैफुद्दीन को कहा, कहाँ है तुम्हारा बेटा, कहाँ फला जगह पर है, कहाँ सबको हटा दो, आप अंदर चले गए, दरवाजा भी बंद, खिड़की भी बंद। बहुत देर के बाद शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह निकले और आंखों में आंसू थे, मलिक सैफुद्दीन को कहा, जाओ तुम्हारा बेटा जिंदा हो गया, जाओ तुम्हारा बेटा जिंदा हो गया। और मलिक सैफुद्दीन आए तो देखा बेटा रो रहा है और आंसू बहा रहा है। अरे मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह का वली नामुमकिन को भी मुमकिन करता है, मगर कोई वली बने तो सही। अब तो माशाल्लाह देवबंदी भी ऐसी बेदतें करते हैं कि बरेलवी भी पीछे रह गए हैं। हाँ ये छोड़ो इन बातों को, ये घर की बात है, छेड़ेंगे तो तकलीफ होगी।